लाल चटनी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है भाई, मीठा मीठा सा। अब खाते हैं भाई इंडियन स्ट्रीट फूड की जान, अपना समोसा। तो गाइज ये है पनीर स्पाइरल रोल्स। हेलो गाइज, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई देहरादून में ना रेनी सीजन हाई अलर्ट पे है, उसी वजह से भाई मेरी स्ट्रीट फूड की क्रेविंग भी ना हाई अलर्ट पे पहुंच चुकी थी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगा रखी है, तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई कोक के साथ। चीयर्स। सो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा भाई मैं आजकल फैट लॉस कर रहा हूँ, तो पूरे एक हफ्ते बाद इतनी सारी कैलोरीज खाने वाला हूँ मैं। तो भाई ये है चीज़ बॉम्ब। ये देखिए गाइस क्या मस्त फीलिंग कर रही है भाई इसके अंदर, और प्रॉपर चीज़ का टेस्ट आ रहा है। ओहो, इतने टाइम बाद मज़ा आ गया भाई। सो गाइज ये है पनीर टिक्का रुमाली रोल, और इसमें भाई ये तवा ग्रेवी लगी हुई है। मज़ेदार भाई, ये देखिए भाई पनीर की स्टफिंग देखिए अंदर, बहुत स्वादिष्ट। इस टाइप की ग्रेवी आ रही है। बहुत अमेजिंग, ये देखो भाई क्या टेम्पटिंग लग रहा है। मज़ा आ गया भाई। अब खाते हैं भाई इंडियन स्ट्रीट फूड की जान, अपना समोसा। हाय, इंडियन स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं है भाई। गर्मा गर्म चाय होती ना और स्वाद आ जाता। बहुत अच्छी स्टफिंग करते हैं भाई ये आलू की। पनीर भी डाला हुआ है भाई अंदर। सो गाइज ये है कुरकुरे स्प्रिंग रोल। पंजाबी अंगीठी से आप कुछ मंगा लो भाई, कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। लास्ट वाला क्रंची पार्ट ना सिर्फ फ्राइड में अच्छा लगता है कुरकुरे में। चटनी बहुत स्पाइसी है भाई इसके साथ की। स्टार्टिंग में ना बहुत हार्ड लग रहे हैं, आगे जाकर टेस्ट आ रहा है। नॉर्मल स्प्रिंग रोल ही बेस्ट होते हैं यार। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने फेवरेट पापड़ी चाट की तरफ भाई। लाल चटनी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है भाई, मीठा मीठा सा। वैसे ना मेरे को दही बल्ला पापड़ी चाट अच्छा लगता है, नॉर्मल ना पापड़ी पापड़ी वाला अच्छा लगता है ना बल्ला ही बल्ला वाला। खाना है
अनिका के मुंह में पानी आता हो। गाइस आप लोगों ने कितना बोला था, देखो ये फिर भी नहीं आई कैमरे के आगे। आज का खाना ना थोड़ा भाई बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट से था। वरना चाट तो भाई हल्दीराम की होती है। सो गाइस ये है ग्रेवी पनीर मोमो। अच्छे से ग्रेवी में लगाते हैं, एकदम लटपट करते हैं इसको। ये देखिए गाइस कुछ ऐसा है। उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं है। या तो हो सकता है इसमें वेज मोमो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके पनीर मोमो मैंने खा रखे हैं भाई। पनीर मोमो में तो कोई शिकायत नहीं है, बस ये आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। फिनिश ही करते हैं यार। ग्रेवी का टेस्ट फीका है। सो गाइस शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था लिप्सा पात्रा का, बाकी जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। और भाई लिप्सा पात्रा को हराना तो नामुमकिन हो चुका है। इस वीडियो में देखते हैं किसका फर्स्ट कमेंट आता है। अब बढ़ते हैं बेहतरीन सी चीज़ की तरफ। सो गाइस ये है पनीर स्पाइरल रोल्स। बहुत बड़ा लग रहा है भाई, कैसे खाया जाएगा? कैसे खाते हैं चीज बर्गर की का? तरह कैसे? जैसे ऐसे खाते। ऐसे उल्टा खा रहे। हाँ ये देखिए पनीर की स्टफिंग कर रखी है भाई अंदर। अनिका ना होती मेरे जीवन में तो क्या ही होता भाई। अच्छा उसने बता दिया कैसे खाते हैं। चटपट हो रहा है। आज मैंने बेसुध होकर ना बहुत चीज़ें मंगा दी है। अनिका भी मुझे कह रही है तुमने क्या सोच के मंगाया इतना कुछ। डिसेंट टेस्ट था भाई इसका, इतना अमेजिंग नहीं था। अब खाते हैं भाई सभी लड़कियों की जान माने जाने वाले इन गोलगप्पों को। खट्टा मीठा मिक्स पानी है क्या तुमने करा? वही से आ रखा था। पहले खा लेने चाहिए थे, थोड़े सौगी हो गए। पता है किस वजह से? क्योंकि आलू भरा है इनके अंदर। आहा पानी तो भाई बहुत रिफ्रेशिंग है ये। बड़ा गोलगप्पा आहा। सो भाई आप खाते हैं अपनी फेवरेट रेशमी मलाई चाप, और वो ही हैक जादुई चटनी भाई। अच्छे से डाल देनी है इस पे। गाइस ये अपनी फेवरेट है, और पता है मैं इसे लेट क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि अनिका फिराक में है भाई, कब मैं शुरू करूँ और ये कब मांगे। ओ भाई साहब ये देखो भाई क्या बड़ी बड़ी चाप दे रही है। भाई साहब क्या ही स्वाद है भाई इसका।
गाइस अगर आप देहरादून से हो ना तो ये चाप मंगा के खा लेना, मेरी गारंटी है भाई, पूरे देहरादून की बेस्ट चाप है भाई ये। मज़ेदार भाई, सिरके वाले प्याज, हरी चटनी और ये चाप का डेडली कॉम्बिनेशन होता है भाई। अब तक जो भी चीज़ें खाए ना सबसे बेस्ट। अन्य का बचाने है तो मान ले। अन्नी बोलेगी नहीं गाइस, बस एक पति का धर्म तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना। एक चाप का पीस बचा है, बाकी प्याज है। कसम से भाई दिल खुश हो गया, अरे चाप खा के, बहुत लंबे टाइम बाद खा रहे ना निकाम। गाइस ये है पाव भाजी, और सच बताऊँ ये ना देख के ही मज़ा नहीं आ रहा है भाई, कद्दू की सब्जी जैसी भाजी लग रही है, बटर तो लगाया है भाई। थोड़ा सा प्याज और भाई थोड़ा लेमन। एक्सपेक्टेड नहीं था पर अच्छी हो रही है, इसमें पनीर भी डला है ये देखिए, असली माल पानी ना अंदर दबा है, ऊपर से वो तब बेसिक सी प्लेन दिख रही है। ये कहीं और पे रखी होती ना मैं इसे टेस्ट भी ना करता, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा था। अब अच्छे से बटर के साथ खाते हैं भाई। मज़ेदार भाई, मज़े लगा दिए भाई इस पाव भाजी ने। सो गाइस अब खाते हैं नेक्स्ट आइटम, पनीर मंचूरियन विद न्यूडल। ये देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, पनीर मंचूरियन विद नूडल्स, पानी आ रहा है मुंह में। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। पनीर मंचूरियन विद नूडल,
पता है मैंने अभी तक टाइम नहीं देखा है, बट मुझे लग चुका है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। समोसा फिनिश करते हैं। ठंडा हो चुका है यार, इस टाइम मैं कम बातें कर रहा हूँ, खा जा रहा हूँ। स्प्रिंग रोल खाते हैं यार, ये नहीं खाऊंगा यार मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। बहुत स्पाइसी है। लास्ट अपना पनीर रोल खाएंगे, पूरा मुंह जल रहा है पता अब तक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।